हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। देखिए, हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और जो है हमने अब तक पढ़ लिया था कि रेन ऑफ टेरर स्थापित हो गया था फ्रांस में, और जो है उसके बाद फिर जैकोबियन आए, फिर उसके बाद रेन ऑफ टेरर आया, फिर अंत में नेपोलियन का जो है उत्थान हुआ। तो इस क्रम में वहां पे फ्रांस में जो है रिवॉल्यूशन घटित हुई थी। तो अब देखिए कि आज हम पढ़ रहे हैं कि रिवॉल्यूशन के बाद जो है लोगों के प्रतिदिन का जीवन कैसा हुआ, यानी द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी जब रिवॉल्यूशन हुई तो उसके बाद जो आम पब्लिक थी उसका जीवन कैसा हो गया था। तो अब देखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसीलिए हुई थी कि जो पब्लिक को डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाएं, उनको जो है लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट टू वर्क, इस तरह के जो है अधिकार चाहिए थे। तो इन सब उद्देश्यों को लेकर के फ्रांस के लोगों ने क्रांति की थी। तो उसके बाद जो लास्ट में जो सरकार आई तो उसने जो है कई सारे जो है कानून पास किए, जैसे गवर्नमेंट पास्ड मेनी लॉज, कई सारे कानून गवर्नमेंट ने पास किए। तो देखिए, जो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कानून था वो था लिबर्टी एंड इक्वलिटी, यानी स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता का मतलब, लिबर्टी का मतलब कि सभी व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है, न तो राजा का गुलाम है, न तो किसी अन्य व्यक्ति का। वह स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र मरता है, इसीलिए उसको जो है स्वतंत्र जीवन भी जीना चाहिए। तो इस तरह से लिबर्टी की अवधारणा को जो है साकार रूप दिया गया। इसके अलावा उन दिनों मैंने पहले भी बताया था कि फ्रांस में जो है जो ओल्ड गवर्नमेंट थी उसमें क्या था कि बहुत बहुत बड़ा सामाजिक विभेद था। थ्री क्लासेस थे, थ्री स्टेट्स थे, जिसमें कि बहुत सारी असमानताएं थी। जो उच्च वर्ग के लोग थे, हाई क्लासेस के, उनको बहुत ज़्यादा पावर मिला हुआ था, बहुत सारी सुविधाएं उनको मिली हुई थी, और जो लोअर क्लास के लोग थे उनको कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, उनको गुलामों जैसा जीवन जीना पड़ता था। तो सबसे पहली मांग उनकी ये भी थी कि उनको इक्वलिटी भी दी जाए, तो लिबर्टी के साथ साथ जो है इक्वलिटी भी उनको मिली। अब ये माना जाने लगा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बाय बर्थ कोई जो है स्पेशल राइट उसको नहीं है। ये कहा गया कि बाय बर्थ कोई भी पर्सन जो है कोई भी स्पेशल राइट नहीं रखता, सभी व्यक्ति समान हैं, इक्वलिटी पूरे सोसाइटी में होनी चाहिए। तो उस अवधारणा को भी साकार रूप दिया गया। नेक्स्ट क्या किया गया, एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। देखिए, सेंसरशिप का मतलब होता है कि किसी भी चीज पर पहले एक तरह से प्रतिबंध लगाना। जैसे मान लीजिए सेंसरशिप को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि उन दिनों ये था कि कोई जिसे कोई भी व्यक्ति, कोई राइटर है, कोई भी कविता लिख रहा है, कोई प्ले, कोई नाटक लिख रहा है, कोई उपन्यास लिख रहा है, तो सबसे पहले उसको जो है राजा के यहाँ अधिकारियों को दिखाना होता था कि कहीं उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं लिख दी उसने जिससे कि राजा के अधिकारों पर हनन हो रहा हो या राजा के खिलाफ कोई बात कही गई हो। तो इस तरह से पहले राजा वो चेक कर लेता था कि कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश की बात तो इसमें नहीं कही गई है। तो उसको अगर देखता था कि ऐसी बात है तो फिर उस चीज को पब्लिश करने से रोक देता था, और देखता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, केवल नॉर्मली बातें उसमें लिखी गई हैं, केवल कथा कहानी मनोरंजन के लिए चीजें लिखी गई हैं, एंटरटेनमेंट के लिए लिखी गई हैं, तो उसको छूट दे देता था। तो उसको बोलते हैं सेंसरशिप। सेंसरशिप का यही मतलब है कि कोई भी जो है रचना है, कोई भी क्रिएशन है किसी राइटर की या किसी म्यूजिशियन की, कुछ भी चीजें हैं, तो सबसे पहले उसको गवर्नमेंट का अधिकारी देखेंगे कि उसमें कोई भी बात राजद्रोह से संबंधित तो कोई बात नहीं लिखी गई है। अगर ऐसी लिखी गई है तो उसको रोका जाएगा, और नहीं लिखी गई है तो उसको नहीं रोका जाएगा। तो सेंसरशिप देखिए जरूरी भी होता है कुछ चीजों के लिए, और कई जगह ये जो है गलत भी होता है। देखिए, आज भी सेंसरशिप है। जैसे आप देखे होंगे कि जब कोई फिल्म शुरू होती है तो उसके पहले एक सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म का एक जो है सर्टिफिकेट का एक कॉपी दिखाई देती है स्क्रीन में सबसे पहले, तो उसमें लिखा रहता है कि हाँ, इसको बकायदे चलने के लिए सर्टिफिकेट दिया गया है। ऐसा इसलिए है कि कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे पब्लिक को जो है जन सामान्य में कोई गलत धारणा फैले।
या समाज की कोई शांति भंग हो तो इसको देखते हुए सेंसरशिप किया जाता है। लेकिन अगर आप हर बात को सेंसरशिप करने लगेंगे तो किसके अगेंस्ट हो जाएगा? वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इस नाते जो है सेंसरशिप वहीं तक होना चाहिए जहां तक कि वो समाज की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। तो इस तरह से सेंसरशिप जो उस जमाने में जो लगा हुआ था वो बहुत गलत तरीके से लगा हुआ था। आप अपनी ओपिनियन रख ही नहीं सकते थे एक तरह से। अगर किसी राजा के खिलाफ या किसी ऑफिसर के खिलाफ आप कोई अपना आइडिया रखते हैं तो उस बात को जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से रख ही नहीं सकते थे। तो उस सेंसरशिप को जो है समाप्त कर दिया गया कानून के द्वारा। अब इसका असर क्या हुआ? सेंसरशिप समाप्त करने का सबसे बड़ा असर हुआ कि बुक्स, न्यूज़पेपर्स और प्लेस ये जो है आराम से जो है पब्लिश किए जा सकते थे। इसके बाद क्या हुआ? आप यहां एक चीज और देखें कि बुक्स, न्यूज़पेपर और प्लेस तो पब्लिश हो ही रहे थे, इसके साथ साथ जो है मतलब नाटक, कविता जो है इसके माध्यम से लोगों के सामने जो है अपने विचारों को, स्वतंत्रता, समानता जैसे आइडियाज को लोगों के सामने रखा जाने लगा। आप यहाँ एक चीज ये भी देखेंगे कि बुक्स की, न्यूज़पेपर्स की एक लिमिट है। जैसे बुक या न्यूज़पेपर है तो केवल पढ़े लिखे लोग ही उसको पढ़ समझ सकते हैं, बाकी जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था उन दिनों उनके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं थी। तो उनके लिए जरूरी था कि उनको नाटक के माध्यम से या कविता को सुना करके, अपनी पोयम को सुना करके लोगों के सामने अपनी बातों को रखा जाए। तो इसके बाद एवरी डे लाइफ में एक चेंज ये भी आया कि जगह जगह हर चौराहे पे हर कॉलोनी में जो है ऐसे प्लेस नाटक दिखाए जाने लगे, ऐसी कविताएं लोगों को सुनाई जाने लगी कि जिससे कि राष्ट्रीयता की भावना, स्वतंत्रता की भावना, समानता की भावना लोगों में फैले। तो ये चीज थी, मतलब उसमें प्रिंट माध्यम भी था, स्वतंत्र हो चुका था, फ्री हो चुका था, और आप कोई एक्टिविटी के माध्यम से अगर कुछ आप कहना चाहते हैं तो उसके माध्यम से भी आप कह सकते थे। अगला चीज ये हुआ कि सिटीजन गॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब आप कहीं भी कोई भी सिटीजन किसी भी प्रकार से स्पीच, भाषण दे सकता था, अपनी बात लोगों को ग्रुप में समझा सकता था। तो ये चीजें उनको मिल गई। तो इस तरह से जो है फ्रांस में वो तब तक मिली नहीं, नेपोलियन आया तब तक भी वो मिली नहीं। लेकिन अब नेपोलियन के आने के बाद थोड़ा सा स्थिति में चेंजेज आए। अब देखिए 1804 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर देता है। पहले तो वो क्रांति की उपज था, क्रांति से पैदा हुआ था, क्रांतिकारियों ने उसे जो है वहां का जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। लेकिन फिर उसने क्या किया कि अपने आप को जो है तरह से एम्परर घोषित कर दिया। ये फिर से जो है क्रांति के पहले के दिनों में लौट जाने वाली बात थी। ये जैसे पहले राजा था फिर से नेपोलियन भी राजा बन गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है नेपोलियन ने कुछ सुधार लागू किए थे, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसने मान्यता दे दी थी कि लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं। फिर उसने क्या किया था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यानी पूरे देश में एक जैसे माप तौल के पैमाने प्रचलित कर दिए। माप तौल का पैमाना मतलब ये होता है कि आप पूरे इंडिया में चले जाएंगे तो आपको केजी के हिसाब से कुछ खरीदना है तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको देवरिया में कोई, मान लीजिए एक केजी आलू आपको खरीदना है तो उसका वेट उतना ही रहेगा, और आप और दिल्ली में खरीदते हैं तो भी उतना ही रहेगा। लेकिन उसके पहले क्या था कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के माप तौल की प्रणालियां प्रचलित थी, तो उससे जो है जो मतलब बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन लोगों के बीच होता था। तो इस नाते जो है यूनिफॉर्म मेजर सिस्टम लागू कर दिया गया। आज पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म मेजर सिस्टम लागू ही है, आप पढ़ते भी हैं जिसमें भी पढ़े होंगे। तो इस तरह से उसने जो है ऐसा वहां पे सिस्टम लागू किया। तो नेपोलियन के एम्परर बनने के बाद जो है फ्रांस में कुछ बुराइयां भी आई, तो उसकी चर्चा तो बाद में होगी। लेकिन यहां देखते हैं कि हुआ क्या कि बाद में नेपोलियन को जो है 1850 में वाटरलू नामक प्लेस पर जो है ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, रसिया इत्यादि की सेनाओं ने उसको हराया, पराजित कर दिया। क्योंकि पूरा यूरोप को जो है दिन पर दिन जीतता चला जा रहा था और एक जो है इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद की भावना को फैला रहा था। तो इसके विरोध में लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हरा दिया गया। अब देखिए तो नेपोलियन का तो वहां पराभव हो गया, उसके बावजूद भी अब पूरा अगर मतलब सब्सटेंस रूप में देखा जाए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो है ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, तो ओवरऑल इफेक्ट ये पड़ा कि द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का पूरी दुनिया को योगदान क्या था, एक तो सबसे पहले की स्वतंत्रता का विचार उसने दिया, और दूसरी लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स देने की जो बात कही गई थी ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण था। यानी स्वतंत्रता और जो है लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स,
ये दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया को प्राप्त हुए। तो बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। थैंक यू।